रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव है। अभी हमारे साथ है आरजेडी के पूर्व विधायक है लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत, आपके दर्शकों का भी स्वागत। तेजस्वी यादव के द्वारा जन विश्वास यात्रा पूरे बिहार में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और लाखों की संख्या में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आगामी 3 मार्च को जन विश्वास रैली जो होने वाला है उसमें क्या करोड़ों के संख्या में लोग पहुंचेंगे? निश्चित तौर पर जन विश्वास यात्रा में माननीय तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनके मीटिंग में उन्हें देखने के लिए सुनने के लिए अपार भीड़ पहुंच रही है। उनके साथ विश्वास जता रहा है लोग और आने वाले 3 तारीख को जो रैली होगा निश्चित तौर पर करोड़ों के संख्या में लोग वहां इकट्ठे होंगे पटना में। मैं मानता हूं कि क्षमता नहीं है गांधी मैदान का करोड़ों का रखने का, लेकिन पटना में रैली नहीं होगा, रैली में पटना उस दिन होगा, रैली में ही पटना दिखाई देगा। आपने कहा कि करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे आएंगे, तो जो लोग करोड़ों की संख्या में आएंगे वो वोट में भी कन्वर्ट होंगे? एकदम निश्चित। जिनको वोट नहीं देना होगा, जिनको साथ नहीं रहना होगा, वो क्यों अपने संसाधन से पटना में जाकर के रैली करेंगे? रैली में जाएंगे, उनका भाषण सुनेंगे, उनके मनोबल को हाई करेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर वह जन विश्वास महारैली वह वोट में भी कन्वर्ट होगा। आप कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? निश्चित तौर पर चिरैया विधानसभा क्षेत्र से, मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र घोड़ासहन भी रहा है, 5,000 लोगों से ज्यादा लोग का भीड़ हम लोग के साथ जाएगा और अपने अपने संसाधन से बकिये लोग ट्रेन से भी जा सक रहे हैं, बस से भी जा रहे हैं और 4 चक्का से भी जा रहे हैं। सभी लोग 2 तारीख को 2 बजे से प्रस्थान करेंगे। रात में रहने की व्यवस्था हम लोगों का, ठहरने का व्यवस्था मेरिन ड्राइव जो गंगा ब्रिज के निकट है, जनार्दन घाट, वहां पर हम लोगों की व्यवस्था है, वहीं रहेंगे। वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रोग्राम है और वहां से फिर रैली के रूप में हम लोग गांधी मैदान के लिए 3 तारीख को सुबह प्रस्थान करेंगे। आगामी लोकसभा को आप कैसे देख रहे हैं? आप आगामी लोकसभा एकदम 1-to-1 फाइट होगा। जो माननीय तेजस्वी जी विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं और आप जानते हैं कि महागठबंधन के सरकार चल रहा था बिहार में, लेकिन एकाएक हम लोग के जो मुख्यमंत्री जी थे वो जाकर के आरएसएस और भाजपा के गोद में बैठ गए। यहाँ तक कि सभी लोग जानता है कि उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मरना कबूल करेंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने भाजपा में जाकर के वो सिद्ध कर दिया है कि उनके बात का कोई विश्वास नहीं है, उनके पास कोई वजूद नहीं है, इसलिए वे चले गए। लेकिन महागठबंधन के साथियों सब एकजुट है और आने वाला पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे, कम से कम 30 सीट जरूर हम लोग बिहार में जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो क्या 5 लाख लोगों को जो रोजगार मिला है इससे लोकसभा चुनाव में आरजेडी को फायदा होगा? निश्चित तौर पर होगा। आप देख रहे थे 2020 में जब माननीय तेजस्वी जी घोषणा किए थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन में कांग्रेस कम्युनिस्ट सभी लोग थे, तो पहल का कलम से मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन मौका नहीं मिला। बहुत करीबी से, बहुत कम माइनर वोट से सरकार नहीं बनी, लेकिन जब मौका मिला महागठबंधन में जब नीतीश जी आए तो मौका मिला, तो जितना विभाग उनके पास था, चाहे स्वास्थ्य विभाग था, शिक्षा विभाग था और आंगनबाड़ी विभाग था, श्रम विभाग था, सभी विभागों में उन्होंने नौकरियां देने का काम किया, खास करके शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में लाखों के तादाद में 5 लाख के करीब में उन्होंने नौकरी दिया है और वह नौकरी अपने बलबूता दिया है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, लेकिन उनका इच्छा शक्ति नहीं था। नीतीश जी 2020 में वोट में कहते थे कहां से लाएगा तेजस्वी, झूठ बोल रहा है, कहां से पैसा ले आएगा, वो अपने बाप के घर से ले आएगा पैसा। लेकिन आखिर वह तेजस्वी जब सरकार में आया तो कहां से संसाधन इकट्ठा हो गया, कहां से वह बात तय हो गई और नौकरियां भी लोगों को मिला और पेमेंट भी हो रहा है बिहार के धरती पर।
लालू प्रसाद यादव का नीति और विचार पहले और अब कोई अंतर है क्या? देखिए, लालू यादव एक क्रांति है, लालू एक विचारधारा है, लालू एक सिद्धांत है। लालू यादव का हमेशा सोच रहा है गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलित को आगे उठाना, और यही कारण है कि उन्हें विभिन्न तरीका से विभिन्न केसों में फंसा करके उन्हें राजनीति में का कद छोटा करना चाहता है लोग, लेकिन उनका कद छोटा होने वाला नहीं है। उनको भी सीबीआई ईडी लगाया गया झुकने के लिए, लेकिन वो किसी भी कीमत में भाजपा के आगे आरएसएस के सामने आज तक नहीं झुके हैं, और आज तक नहीं झुके हैं तो उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव है, वे भी नहीं झुकेंगे। और आने वाला दिन सामाजिक न्याय, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलितों का मुखौटा बन करके वह तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी तो तेजस्वी जी बोल रहे थे कि केवल हम लोग कहता था लोग माई का पार्टी है, माई का नहीं, बाप का पार्टी है, माई और बाप सभी लोग एक साथ है, सभी, अगर आप पिछड़ा दलित महिला सभी लोग एक साथ है, और सभी लोगों के सहयोग से सभी लोगों के विश्वास से वह आने वाला 24 में भी हम लोग पार्लियामेंट का चुनाव 30 सीट से ज्यादा जीतेंगे, और 25 में तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और लालू यादव एक सिद्धांत है, लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए लालू यादव इतिहास है, उनको इतिहास के पन्ना पन्ना में नाम लिखा जाएगा। चुनाव आते आते ही केंद्र सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई का भरपूर इस्तेमाल विपक्ष के ऊपर किया जा रहा है, और वही विपक्ष अगर बीजेपी में मिल जाता है तो वो साध बन जाता है, कैसे? देखिए, जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, न नौकरी का मुद्दा है, न शिक्षा का मुद्दा है, न कृषि का मुद्दा है, न छात्र का मुद्दा है, न नौजवान का मुद्दा है, उसके पास एक ही मुद्दा है कि हम सरकार में कैसे बने रहे। तो वह एनन केनन प्रकार से सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके, केंद्रीय एजेंसी का प्रयोग करके, और सभी जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे फिर केजरीवाल साहब हो, फिर तेजस्वी जी हो, सभी ममता दीदी हो, सभी लोगों को, अखिलेश जी हो, सभी लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहा है। और आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जिन लोगों के ऊपर करोड़ों करोड़ों का घोटाला था, और वो लोग जब बीजेपी में शामिल हो गया तो उन लोगों का केस रफा दफा हो गया। बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है कि कितना ही बड़ा घोटाला बाज उस पार्टी में चला जाए, उस वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। विपक्षी को केवल वह प्रचारित कर करके अपना हुकूमत कायम करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर देश के कई ऐसे पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं, और आज वही प्रशांत किशोर अपना एक पार्टी बना लिया है, और प्रशांत किशोर का कहना है कि देश की जितने भी पार्टी है सभी के सभी चोर है, तो चोर बनाया किसने? देखिए, प्रशांत किशोर जी विद्वान है निश्चित, और सभी पार्टियों के साथ वह काम कर चुके हैं, उनको किसी को चोर कहने का हक नहीं है, इसलिए कि उन चोरों के साथ उन्होंने काम करने का उन्हें अवसर मिला है। तो निश्चित तौर पर हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप नया बिहार बनाने का भले ही सपना देखते हैं, लेकिन नया बिहार तब बनेगा जब अच्छा आदमी उस सरकार में जाएगा, आज जो आगे बढ़ रहा है उसको आप बढ़ाने का काम करिएगा। आज जो हम लोग के महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं, जो का विरोधी दल है, आज जो उनकी छवि है, उनके जो आचरण पर, उनके वक्तव्य पर, और जो घोषणा किए थे नौकरी दिए, उन पर जो बिहार का लोग आज विश्वास कर रहे हैं, उनको भी हम राय देंगे कि उनके साथ मिलजुल करके वे आगे अच्छा सरकार बनाने का काम करें। चोर कहने का उनको किसी का राइट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सबके साथ काम किया है। एक आखिरी सवाल, देश का ऋण किसान कहा जाता है, लेकिन किसान आंदोलन टू कर रहा है दिल्ली के बॉर्डर पे, और सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, और उनके तरफ से 12 मांग ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन टू हो रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि हम लोग भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, और इस देश का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगी। देश को आगे बढ़ाने का यदि सपना देखना है तो किसानों की समस्या को सुनना पड़ेगा, किसानों के आंदोलन को मानना पड़ेगा, और उन्हें मजबूत करना पड़ेगा। आज देश का मेहनत कश लोग किसान है, किसान लोग हमारे लिए भगवान है। जब किसान अपना
चिलचिलाती धूप में खून और पसीना को एक करके अन्न बुझाता है तो वही अन्न सब लोग खाता है, पैसा नहीं कोई खाता है। भाजपा का लोग जितना वादा किया है वह झूठा है, चाहे वह 15 लाख रुपए का सवाल हो, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का सवाल हो, माने एनन केनन किसी किसान के मुद्दे पर उन्होंने मान लिया था और सैकड़ों किसानों अपना जान गंवा दिया था, शहादत शहीद हुआ था, लेकिन आज फिर वो अपने वादा से मुकर गया। इसलिए किसान का जो आंदोलन है हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरे तौर से समर्थन करती है। हम लोग भी जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग भी समर्थन करेंगे, जरूरत हुआ तो हम लोग भी दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर के उस आंदोलन में भाग लेंगे। चंपारण से हम लोग आते हैं, चंपारण के अंदर मेरा घोड़ासान विधानसभा था, चिरैया विधानसभा है, सभी लोगों के साथ हम लोग भी हजारों हजार के संख्या में, लाखों लाख के संख्या में चलकर उस आंदोलन को समर्थन करेंगे। किसानों का मांग जायज है, किसानों के आंदोलन के हम लोग साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ है लक्ष्मी प्रसाद यादव जो आरजेडी से विधायक थे और इन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में कई सारे सवालों का जवाब दिया। कैमरामैन मुनमुन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार।